सो ही गाइस, सो यार कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के। सो यार, वीडियो एडिट करने के लिए आपको लाइट मोशन में आना है, प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 916 के साइज में। प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है और आपको फोटो को ऐड करना है। ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। शेयर आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पीएनजी को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। फोटो को सेव करना है, फिर इस फोटो को डिलीट करना है एंड प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है। ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, फिर शेयर का आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पीएनजी को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, फोटो को सेव करना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से जो आपको अपनी फ़ोटो को यहाँ पे क्रॉप कर करके सेव करते हैं ना, तो आप जो टोटल 7 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेना, कितना 7 यानी कि 7 फोटो को। तो मैं यहाँ पर फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो इसे फोटो को क्रॉप कर लेते हैं, इस जो प्रोजेक्ट है इसको डिलीट कर देना है यहाँ से बैक आके, और बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 8 फोटो, इस पर क्लिक करना है। कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फोन पे क्लिक करना है। ऊपर फोटो सेलेक्ट करना है, आपने जो फोटो को क्रॉप किया उसमें से पहला फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर यहाँ पे टेक्स्ट आएगा कैमरा मैन, जल्दी फोकस करो। फिर उसके आगे जो लेयर है इस पर क्लिक करना है। कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फोन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेकंड फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। ओके, इस बार से फिर यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे डबल मार्क आया ना। अब जो इसके आगे लगातार 2 लेयर है, मतलब ऊपर नीचे करके, इन दोनों में आपको तीसरा फोटो को ऐड करना है। ओके, इस प्रकार से जस्ट उसके आगे जो लेयर है एक लेयर, इसमें भी आपको वही सेम फोटो को ऐड करना है। ओके, इस प्रकार से फिर डबल मार्क आएगा, फिर से यहाँ पे 2 लेयर है एक साथ। ओके, इन दोनों में आपको अपना चौथा फोटो को ऐड करना है, फोटो को चेंज कर देना है डबल मार्क के आगे। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे ऐड करना है। फिर इसके आगे जो सिंगल फोटो है, इसमें भी आपको वही सेम फोटो ऐड करना है। ओके, इस प्रकार से फिर यहाँ पे डबल मार्क आएगा, तो आपको फोटो चेंज कर देना है। तो इन दोनों लेयर में आपको एक फोटो को ऐड करना है, अपना 5वां फोटो को, पहले इन दोनों लेयर में जो कि ऊपर नीचे है। ओके, जस्ट इसके आगे जो सिंगल फोटो, इसमें भी आपको वही सेम फोटो को ऐड करना है। ओके, फिर वही करना है आपको, डबल इट मार्क के आगे फोटो चेंज करना है। तो यहाँ पे दोनों लेयर में पहले सेम फोटो को ऐड करना है, ऊपर नीचे वाले लेयर में। फिर जस्ट उसके आगे जो लेयर है सिंगल फोटो, सिंगल लेयर, इसमें आपको अपनी फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है, वही सेम फोटो को। ओके, तो यहाँ पे आप लोग दे सकते। ओके, फिर यहाँ पे आपको डबल इट मार्क के आगे फोटो को चेंज करना है, अपना 7वां फोटो को ऐड करना है। ओके, और इन दोनों फोटो में पहले सेम फोटो को ऐड करना है, और फिर जो आगे सिंगल लेयर है इसमें भी आपको वही सेम फोटो को ऐड करना है। इस प्रकार से सभी फोटो को ऐड कर लेंगे, आपका वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऊपर शेयर के आइकन पे क्लिक करना है, अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखना।